दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जैन सुबह से ही आमरण अनशन में बैठी हुई है। ज्यादा बातचीत के लिए खुद स्वाति मालीवाल हमारे साथ है। स्वाति जी, सुबह से आप आमरण अनशन पे बैठी हुई हैं और अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस आपको यहाँ से हटाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार ऐसा किया जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैं ये अग्री नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का तो ये भी आदेश है, देश का ये भी कानून है कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी की सजा दी जाए, पर ये इम्प्लीमेंट तो नहीं करा जाता। तो ये कौन सी गाइडलाइन है जो कहती है कि आमरण अनशन 9 से 5 के बीच में होता है? मैं इस गाइडलाइन को नहीं मानती। मैं दिल्ली पुलिस से अपील करती हूँ, हमसे लड़े ना, हमारी मदद करें। उनके घर में भी बेटियां हैं, उनके घर में भी बहुएं हैं, उनके घर में भी महिलाएं हैं जिनसे वो भी प्यार करते होंगे। उनसे सिर्फ इतनी अपील है, ये आमरण अनशन ठीक से तरीके से कराएं। मैं आज यहाँ पे धरती पे पड़ी हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। ना तो पूरा दिन कोई टेंट लग पाया, अभी इतनी ठंड है, इसमें इतनी सारी महिलाएं मेरे साथ यहाँ बिना टेंट के कैसे रहेंगी? ऐसे में इतनी प्रताड़ना करना जब पहले ही लोग परेशान हैं और दुखी हैं, ये ठीक नहीं है। ना तो टेंट है, ना टॉयलेट है, ना लाउडस्पीकर है, तो दिल्ली पुलिस का ये रवैया मुझे ठीक नहीं लगता। मैम, अगर दिल्ली पुलिस आपको यहाँ से हटाने की कोशिश करती है या फिर आपको कोई दूसरी जगह अलॉट की जाती है तो आप उसके लिए राजी होंगी? जी, दूसरी जगह अगर सुरक्षित है और सेंट्रली लोकेटेड है तो मैं दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार। अक्सर देखा जाता है कि कानून बनते हैं लेकिन वो पालन नहीं हो पाता या फिर लागू नहीं हो पाते ठीक से। निर्भया कांड के बाद भी कानून बनाते लेकिन वो लागू नहीं हो पाया पूरी तरह से। लोकसभा के अंदर आज भी मुद्दा उठाता, आप किस पर? जी, लागू नहीं हो पाते, इसीलिए हम लोग अनशन पे बैठे हैं आमरण। हमारे प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि ये सारे कानून लागू कराए जाएं, पुलिस के संसाधन जवाबदेही बढ़ाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं, पूरे देश में ऐसा सिस्टम बनाया जाए, हर हाल में जो रेपिस्ट है उसे तुरंत और सख्त सजा हो। तो आप अभी आमरण अनशन खत्म नहीं करेंगे? नहीं करूंगी। तो ये थे हमारे साथ स्वाति मालीवाल, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी आमरण अनशन खत्म करने का इनका और इनके कार्यकर्ताओं को कोई इरादा नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश बढ़ाने के साथ प्रशांत त्यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।